नमस्कार दोस्तों, निशा फूड क्लब में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं समा के चावल की खीर। इस खीर को हम व्रत में भी खा सकते हैं। खीर बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप समा के चावल। इसे मैंने आधा घंटे पहले पानी में भिगो लिया था। 80 से 100 ग्राम चीनी, थोड़े से कटे हुए बादाम, कुछ कटे हुए काजू, थोड़ी सी किशमिश, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 500 ml दूध। अब चलते हैं हमारी गैस की ओर। एक बर्तन में दूध गर्म करेंगे। दूध में उबाल आने लगा है, अब इसमें समा के चावल डालकर मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर और उबलने देंगे ताकि समा के चावल भी अच्छे से पक जाए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दूध को अच्छी तरह उबाल लेने के बाद हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डालेंगे चीनी, कटे हुए काजू बादाम और किशमिश, इलायची पाउडर। अब इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसे 1 मिनट तक और चलाएंगे ताकि जो इलायची पाउडर और चीनी हमने इसमें डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छे से खीर में आ जाए। हमारी खीर बन गई है तो गैस को अब बंद कर देते हैं और खीर को किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका कुकिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेकोरेशन के लिए अब इस पर थोड़े से बादाम ऊपर से डाल देंगे। हमारी खीर सर्व करने के लिए तैयार है। दोस्तों, वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।